कोरबा से 2 साल पहले फ्रांस एमबीए करने गए आशीष अग्रवाल को फ्रांसीसी युवाओं ने ताना मारा था। इसके जवाब में आशीष ने 6 जून 2016 को आयरन मैन के रूप में 5वें भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया। तब उन्होंने फेमस मॉडल मिलिंद सोमेन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। अप्रैल 2018 में चीन में आयोजित इसी स्पर्धा में हाफ आयरन मैन का खिताब अपने नाम किया। आशीष ने फिर 2 दिसंबर को अर्जेंटीना में हुई स्पर्धा में हिस्सा लिया और अपना आयरन मैन का खिताब हासिल करने में कामयाब रहा। इस बार यह स्पर्धा आशीष ने 14 घंटे 15 मिनट 2 सेकंड में पूरा किया। कोरबा के बालको नगर निवासी आशीष अग्रवाल के पिता अशोक अग्रवाल इंडस्ट्रियल एरिया में एक इकाई का संचालन करते हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी में आशीष अग्रवाल मंझला बेटा है। आशीष शुरू से ही मेधावी छात्र रहा। एमबीए की डिग्री हासिल करने के लिए उसने फ्रांस के इथिक बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया था। 2011 में डिग्री हासिल कर ली। पढ़ाई के दौरान ही उसका रुझान स्विमिंग व साइकिलिंग में था। जब वह वहां इसकी प्रैक्टिस करता तब सहपाठी फ्रांसीसी युवा उस पर कमेंट्स करते कि देखो ये इंडियन अपने आप को आयरन मैन समझता है। यह बात आशीष को लग गई। पढ़ाई के बाद वह बालको नगर लौट आया और वह अपने पिता के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वहां का अनुभव उसने अपने पिता के साथ साथ माँ मंजू, पत्नी रचना और भाई बहनों के साथ साझा किया। तब उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी तैयारी यहां जारी रखे। परिजन के प्रोत्साहन से उसने उस वक्त तो कामयाबी हासिल की और अपना स्थान बनाए रखने के लिए अब भी संघर्ष जारी है। अप्रैल 2018 में चीन में आयोजित वर्ल्ड ट्राइथलॉन प्रतियोगिता में भाग लेकर हाफ आयरन मैन बने आशीष को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने फिर अभ्यास जारी रखा और 2 दिसंबर को अर्जेंटीना में आयोजित वर्ल्ड लेवल की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर फिर से आयरन मैन का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल कर ली है। वर्ष 2016 की तुलना में इस बार की प्रतियोगिता में 1 मिनट पहले पूरा कर देश प्रदेश व छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अभी ये आयरन मैन जो ट्रायथलॉन इवेंट होता है, इसका साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप अर्जेंटीना में था, जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया और 14 घंटे के आसपास में इसमें 4 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसको अपने को 16 घंटे में करना पड़ता है। ये मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया। ये इंडिया से मेरा अकेले पार्टिसिपेशन था वहाँ पे, और इसमें जो भी इस इवेंट को कंप्लीट करता है उसको आयरन मैन बोलते हैं, तो आयरन मैन टाइटल मुझे वहाँ पे मिला। मैंने 14 घंटे के आसपास में इसको कंप्लीट किया। इसमें सही मायने में देखा जाए तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कम से कम मैं बोलता हूँ कि साल से लेके 1 साल से लेके 2 साल करना चाहिए। और वहाँ पे जो, क्योंकि इसमें आप खुद इसमें कल्पना कीजिए कि आपके पास 16-17 घंटे का टाइम होता है, जिसमें आपको 4 किलोमीटर स्विमिंग और 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर दौड़ना है। उसमें भी वहाँ का जो जो वेदर था उस दिन, वहाँ पे पानी का तापमान 10 डिग्री था समुद्र का, और साइकिलिंग में भी बहुत तेज वहाँ पे हवा चलती है 35-40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज आपको ट्रेनिंग चाहिए, और मैं समझता हूँ कम से कम इसमें 1 साल की ट्रेनिंग आदमी को करनी चाहिए अगर अच्छे से इसको करना है। तो हम लोग के पास क्या है कि बिज़नेस के अलावा बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इवेंट से पहले 4-5 महीने खुद ही सारा कुछ ट्रेनिंग किया, और मुझे लगता है मैं 4 से 6 घंटा एवरेज डेली मैं इसमें देता था, हफ्ता में 6 दिन। फैमिली का सपोर्ट भी है, वैसे पूरा रहता है, लेकिन फैमिली वाले थोड़ा डरते हैं क्योंकि काफ़ी कठिन इवेंट रहता है, तो इसमें फैमिली का जो कंसर्न रहता है कि हम लोग सेफ रहे हैं। काफ़ी दूर भी है अर्जेंटीना यहाँ से, मुझे 2-2.5 दिन जाने में लगा, मैं अकेले ही था वहाँ पे। प्लस इसमें अपने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का या इंडिया के साइड से किसी का कोई फाइनेंशियल वो नहीं है, तो सारा फाइनेंशियल हमारे ऊपर ही रहता है, तो ये सब चैलेंजेस होते हैं। बट मुझे लगता है कि फैमिली हमेशा हम लोग के साथ ही रहती है, और अगर हम लोग कोई अच्छा काम करना चाहें तो परिवार का इसमें पूरा सपोर्ट रहता ही है। जून 2016 में आयरन मैन बनने वाले कोरबा के आशीष 5वें भारतीय हैं। चीन में 16 घंटे की ऑल वर्ल्ड ओपन आयरन मैन ट्रायथलॉन स्पर्धा को पूरा किया था।
दो साल पहले आशीष को फ्रांसीसी युवाओं ने इंडियन आयरन मैन का ताना दिया था। आशीष ने बताया कि वर्ल्ड आयरन मैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता के प्रत्येक प्रतिभागी को लगातार 3 इवेंट्स एक तय समय में पूरा करना होता है, जिसमें 3.86 किलोमीटर समुद्र में स्विमिंग, 180.25 किलोमीटर साइकिल चलाना व 42.2 किलोमीटर पैदल चलना, दौड़ का मैराथन शामिल है। ये तीनों इवेंट बिना रुके पूरा करना रहता है। ये जो इवेंट है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट ट्रायथलॉन इवेंट बोलते हैं इसको, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपकी तैयारी कम है, आपने पूरी प्रैक्टिस नहीं की है, आपको एक्सपीरियंस कम नहीं, मतलब प्रॉपर एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इसको कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है। खासकर जब इसमें एनवायरनमेंट वगैरह बहुत, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत टफ था, 10-11 डिग्री टेम्परेचर में स्विमिंग करना और साइकिलिंग करना, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी वहाँ पे उस दिन, खासकर बारिश हुई बीच में, तो मैं समझता हूँ खासकर जो हम लोग इंडियन हैं, हम लोग क्या वेजिटेरियन भी हैं, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते, तो उससे भी हम लोग का एक थोड़ा सा एक जो फिज़िकल फिटनेस है उसका एक लिमिटेशन हो जाता है। प्लस इसमें काफ़ी कठिन इवेंट है और इसमें अगर आपको अच्छे से करना है तो डेफिनेटली काफ़ी इसमें मेहनत चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए, फैमिली का सपोर्ट भी पूरा चाहिए, अन्यथा इसमें बहुत मुश्किल है। आशीष ने बताया कि वे नियमित अभ्यास करते हैं। अप्रैल में हाफ आयरन मैन बनने के बाद से ही उन्होंने तैयारी तेज कर दी थी। सुबह उठकर पैदल चलना, स्विमिंग करना व साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करना सामान्य सी प्रक्रिया हो गई है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक नियमित अभ्यास और शाम को 2 से 3 घंटे नियमित पैदल चलने के कारण सफलता हासिल की। मैं वैसे तो अपने कॉलेज में सारा गेम्स खेलता था, स्पोर्ट्स कैप्टन भी था, और बैडमिंटन हमारे पिताजी बहुत अच्छा खेलते हैं, मतलब ये यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह भी, मतलब काफ़ी इनका वो है, तो बैडमिंटन मैंने इन्हीं से सीखा था और बैडमिंटन में मैंने भी नेशनल खेला है, स्टेट भी बहुत सारा खेला है, तो अभी हम लोग जनरली हमारे कोरबा में बैडमिंटन खेलते हैं, और बाकी हमारे घर में हमने जिम वगैरह भी बना रखा है, तो हम लोग काफ़ी मतलब हेल्थ को काफ़ी फोकस करते हैं, और बाकी ये ट्रायथलॉन में कर ही रहा हूँ जिसमें स्विमिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है, और बाकी कॉलेज टाइम में तो हम लोग सारे स्पोर्ट्स खेलते थे। अभी आगे मैं, मेरा यही प्लान है कि मैं जितना टाइम निकाल सकूँ बिजनेस फैमिली के अलावा, मैं इसमें ट्रेनिंग करता रहूँगा और इसमें कोशिश करूँगा कि साल में 1 इवेंट 2 इवेंट जो हमको फैमिली के सपोर्ट साथ करने का मौका मिले, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दें और अच्छा फिट रहें। हमारा क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम लोग फिट रहें, हमें मतलब अपना हेल्थ को ही मेंटेन करना है, हमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके मतलब प्रोफेशनल कुछ करना है, क्योंकि प्रोफेशनल अलग होता है, उसके लिए आपको एक अलग ही ट्रेनिंग है। तो हमारा ये प्लान है, मैं साल में 1-2 इवेंट करूँगा, इस साल भी मैं कुछ कर रहा हूँ कि यूरोप वगैरह में प्लानिंग है कुछ, तो सबका सपोर्ट रहा तो उसको किया जाएगा। आशीष के इस उपलब्धि पर पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। इस मुकाम पर पहुंचने में माता पिता और पत्नी का अहम भूमिका रही। आशीष ने अभी अर्जेंटीना में ट्रायथलॉन में आयरनमैन का खिताब प्राप्त किया है और इससे हम लोग को बहुत प्रसन्नता है, बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग बहुत डर रहे थे, क्योंकि ये बहुत कठिन इवेंट है और हम लोगों के दिल में काफ़ी डर था, भय था भेजने से पहले, तो हम लोगों को ये पूरा करने के बाद बहुत खुशी हुई कि हमारे लड़के ने बहुत सक्सेसफुली इसको पूरा किया। बहुत बहुत हम लोगों को इस चीज़ से दिक्कत होती है, ये अकेले इतना दूर जाके इस इवेंट के लिए जाते हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत ही डर रहे होते हैं उस इवेंट के दिन पर्टिकुलरली, बिकॉज स्टार्टिंग स्विमिंग से होता है जो कि समुद्र में इनको तैरना होता है 4-4.5 किलोमीटर, तो जब तक कि पानी से बाहर नहीं निकल के हैं, हम लोगों को पता चल जाता है कि सेफ है, तब तक हम लोग रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, और उसके बाद भी बहुत लंबा स्ट्रेच दिन भर का बचा होता है साइकिलिंग, उसके बाद में रनिंग, जो कि बहुत टफ है एक नॉर्मल आदमी के लिए कर पाना। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरे सारे परिवार वाले सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, सपोर्ट तो हम लोग करते हैं, बट जी में दिल में डर भी रहता है, बच्चा इतना मेहनत करता है तो वो डर तो हमेशा रहता है, मगर जब ये कंप्लीट करके आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं।
खेल इन द सेंस बोल सकते हैं, हम लोग सब कुछ हेल्थ कॉन्शियस हैं और हम लोग कसरत वगैरह रेगुलर करते हैं घर में। आशीष की इस उपलब्धि ने देश प्रदेश सहित कोरबा का नाम रोशन किया है। आशीष के हौसले को मीडिया फॉर सपोर्ट सलाम करता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ पूजा साहू की रिपोर्ट।